धार्मिक नगरी चिंतपूर्णी में रविवार को सुलभ इंटरनेशनल कंपनी के सफाई कर्मियों द्वारा क्षेत्र की सफाई करवाई गई। सुलभ इंटरनेशनल के प्रभारी अजय सिंह की अगुवाई में डीसी ऊना संदीप कुमार के निर्देशों के बाद मंदिर रोड की, अस्पताल रोड की व नए बस स्टैंड के पास सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया और नालियों से कूड़ों के ढेर को भी निकाला गया। बताते चलें कि चिंतपूर्णी में सफाई ठेकेदार का ठेका डीसी ऊना द्वारा कैंसिल होने के बाद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसके चलते मंदिर न्यास की एडीबी बिल्डिंग की सफाई का जिम्मा देख रहे सुलभ इंटरनेशनल को मंदिर प्रशासन ने फिलहाल चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र की सफाई का जिम्मा सौंपा है। जब तक सफाई के ठेके को लेकर नई व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक सुलभ वाले ही चिंतपूर्णी की सफाई व्यवस्था देखेंगे। नेशनल व्यवस्था प्रभारी होना तो मंदिर प्रशासन की ओर से मुझे सफाई का तत्काल कार्यभार दिया गया है, जिसे मैं पूरा कर रहा हूँ। तो क्या क्षेत्र की सफाई करवा रहे हैं आप, कहाँ कहाँ? मैं बाजार की सफाई करवा रहा हूँ और गलियों की सफाई भी करवाऊँगा। तो ये जो सफाई कर्मी है, ये मतलब आपकी कंपनी के हैं जो क्षेत्र में? जी, हमारी कंपनी के हैं और चिंतपूर्णी सदन के अनुबंध में ही मैं काम कर रहा हूँ। कितने सफाई कर्मी लगाए होंगे अभी आपने? मैं अभी तत्काल 12 लगाया हूँ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाए अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहे अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।